लेकिन तू मेरा छोटा भाई होके तेरे तो मुझे ये उम्मीद कभी नहीं थी। भाई साहब आपसे कितनी बार कहा गया घर का मैटर घर में सेटल कर लेंगे, आप भी ना देखूंगा तुझे मैं। देख लेना माँ जी बाहर आ जाइए, ग्राउंड फ्लोर आ गया। पुत्र जी मेरी चाबियां ऊपर रह गई फ्लैट, मैंने ऊपर जाना पड़ेगा। पुत्र 16। हाँ रुको, मुझे भी अंदर आना है। आइए आइए, कौन से फ्लोर जाना है? सत्रह वाला जाना है। मुझे मालूम है, मैंने 17 ही दबाया है। स्कूल से आ रहा है बच्चा। संजय ला बाबूजी के घर की चाबी दे। नहीं देता। देख आखिरी बार कह रहा हूँ, चाबी दे दे। आखिरी बार कहता हूँ, नहीं देता। क्या करेगा, क्या करेगा? भाई साहब अरे क्या हुआ? आज से 6 दिन पहले मरहूम मिस्टर मुकुल भगत ने मुझे फोन करके पुलिस प्रोटेक्शन मांगा था। जानते हो क्यों? क्योंकि उन्हें डर था कि उन्हें कोई मारने वाला है। उनका भाई संजय भगत यानी कि तुम मेरा यकीन कीजिए इंस्पेक्टर साहब,
मैंने मुकुल भाई साहब को नहीं मारा, मेरे बड़े भाई थे, मैं उन्हें कैसे मार सकता हूँ? तुमने नहीं मारा तो किसने मारा? ये साबित करना मेरा काम है। केडी, तुम लड़ रहे हो उसका केस? हाँ, संजय मेरा पुराना दोस्त है, मैं संजय का दूसरा केस लड़ रहा था, संजय भगत वर्सेस मुकुल भगत, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, लेकिन मुकुल भाई साहब के जाने के बाद तो वो केस खत्म हो गया, ये वाला शुरू। केडी, तुम तो जानते हो मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैंने मुकुल भाई को नहीं मारा है। केडी, उस सीलबंद लिफ्ट की तरह ये केस भी एकदम सीलबंद है। उस दिन लिफ्ट में इसके सिवा एक बूढ़ी औरत, एक अंधा आदमी और एक छोटा बच्चा था, इसलिए खून इसके सिवा कोई नहीं कर सकता। ये तुम्हारी राय है जगह, लेकिन हो सकता है कि उस दिन के सिक्योरिटी कैमरा फुटेज तुम्हारी राय से सहमत ना। यार केडी, इसे तो टॉर्च लेके देखना पड़ेगा भाई, इतना अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। दिखाई नहीं दे रहा जिलमी, लेकिन सुनाई तो पड़ रहा है। इन चीखों के अलावा इसमें दो आवाजें और हैं। कैसा आवाज केटी? पता नहीं मिसेस बिलमोरिया, लेकिन पता लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि इन दो आवाजों के अलावा इस केस में मेरे पास और कोई सुराग नहीं। दिस इज नॉट गोइंग टू बी इजी। Dunhill Apartments, Santa Cruz इलाके में एक 20 मंजिल की बिल्डिंग। अप्रैल 14 को दोपहर के 2 बजे 5 लोग उस बिल्डिंग की लिफ्ट में चढ़ते हैं। उनमें से एक 5th क्लास में पढ़ता 11 साल का बच्चा बंटी सेन गुप्ता, दूसरी एक 75 वर्षीय बूढ़ी दादी माँ मिसेस सुरवींद सिंह, तीसरा एक नेत्रहीन संगीतकार मिस्टर मोहित करनाल, और दो भाई, एक प्रॉपर्टी डेवलपर मुकुल भगत, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर संजय भगत। लिफ्ट का दरवाजा बंद होता है, लिफ्ट ऊपर की ओर चलने लगती है, और अंदाजन जैसे ही लिफ्ट 12वें और 13वें फ्लोर के बीच पहुंची, एक झटका खाके लिफ्ट बंद हो गई। जब अंधेरा हुआ तो जाहिर सी बात है आप घबरा गए होंगे। मेरे लिए तो हमेशा अंधेरा होता है मैडम, मुझे तो अंधेरे की आदत है। हाँ, बाकी दूसरे लोग जरूर डर गए थे, और मैं बस अपनी जगह खड़ा रहा। मिस्टर करनाल, मेरा नाम के डी पाठक है, डिफेंस लॉयर। मुकुल भगत की मौत स्क्रू ड्राइवर से हुई, जो उनके गले के ठीक पीछे लगी, जिससे एक ऐसी नस डैमेज हुई जिसके डैमेज होने से मौत निश्चित है। क्या इस बात का इल्म है आपको? जी बिल्कुल जी। और ऐसा निशाना अंधेरे में सिर्फ ऐसा आदमी लगा सकता है जिसे अंधेरे की आदत हो। आपको लगता है कि खून मैंने किया? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो सिर्फ आपकी राय पूछ रहा था। मैं तो मिस्टर मुकुल भगत को जानता भी नहीं, मैं तो खुद मोहताज हूँ। योना, लेकिन मिस्टर संजय भगत किसी चीज के मोहताज नहीं। मेरा पहला सबूत ही मिस्टर संजय भगत के खिलाफ इस केस को साफ कर देगा। मिस्टर भगत, ये टूल बॉक्स पुलिस ने आपके घर से बरामद किया, जिसमें से 2 टूल्स मिसिंग है। उनमें से पहला ये एक कटर का स्क्रू ड्राइवर, जिससे आपके भाई की मौत हुई, क्या ये आपका है? जी, लगता तो मेरा ही है। दूसरा ये वायर काटने का प्लायर, क्या ये आपका है? शायद। शायद नहीं, ये आप ही का है, इस पर आपकी उंगलियों के निशान है।
दीवार काटने का प्लायर पुलिस को लिफ्ट के कंट्रोल रूम से मिला, जहां 12 और 13 मंजिल के बीच की इन वायर्स को काटा हुआ था। तत्व की साजिश शुरू हुई लिफ्ट को रोकने से, और लिफ्ट को रोका मिस्टर संजय भगत ने। ऑर्डर ऑर्डर योर ऑनर, लिफ्ट रूम का दरवाजा उस दिन लॉक्ड था और उसकी चाबी लिफ्टमैन के पास थी जो उस दिन छुट्टी पर था। एंड वैसे भी योर ऑनर, एक भाई अपने भाई को क्यों मारेगा, वो भी इतने सारे लोगों की मौजूदगी में। आज की तारीख में भाई की भाई से दुश्मनी कोई चौंकाने वाली बात नहीं, और इस बात के गवाह है उस लिफ्ट में मौजूद बंटी सेन गुप्ता। मत बेटे, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। उस दिन आपने जो कुछ भी देखा है वो आप हमें बताइए। उस दिन मैं स्कूल से लौटा तो ये और दूसरे अंकल एक दूसरे को गुस्सा कर रहे थे। आप अदालत को अपने झगड़े की वजह बताएंगे मिस्टर भगत? दरअसल डनहिल अपार्टमेंट के 15th फ्लोर पर मैं रहता हूँ, और 13th फ्लोर पर मेरे बड़े भाई मुकुल भगत रहते थे, और 14th फ्लोर पर हमारे लेट पिताजी श्री केवलदास भगत का फ्लैट है। उस फ्लैट को लेके हम दोनों भाइयों में डिस्प्यूट है जी। 4,600 स्क्वायर फुट, मार्केट वैल्यू 8.5 करोड़, जिसके बंटवारे को लेकर दोनों भाई एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। और मेरी बात से सहमत होंगे इंस्पेक्टर दवे। योर ऑनर, मैं इंस्पेक्टर दवे को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगी। इजाजत? योर ऑनर, मौत से 6 दिन पहले मरहूम मिस्टर मुकुल भगत ने पुलिस प्रोटेक्शन मांगा था। उन्हें डर था कि उनके भाई संजय उन्हें जान से मार सकते, और उनका डर सच निकला। 8.5 करोड़ के फ्लैट के लिए भाई ने भाई की जान ली। नहीं जज साहब, मुकुल भैया को मैंने नहीं मारा। लेकिन आपके भाई ने मरने से पहले कुछ और ही कहा था, और वो हमें बताएंगी मेरी अगली गवाह उस लिफ्ट में मौजूद मिसेस सुरवीन सिंह। मिसेस सिंह, आप अदालत को बताएंगी कि जब लिफ्ट बंद हुई और लाइट गई तो आपने क्या देखा, क्या सुना? बेटा, मैं देखिया कि एस दा भाई फर्श पर यूं मरने वाला था, ते मरन तो पहले उसने अपनी उंगली उठाई ते एस दी तरफ इशारा करके क्या संजय मेरा कातिल। ते फिर देखते ही देखते उस बेचारे ने वहीं पे दम तोड़ दिया। और मरता हुआ आदमी कभी झूठ नहीं बोलता योर ऑनर। मरने से पहले मुकुल भगत ने साफ कहा कि संजय ही उसका कातिल। ऑर्डर ऑर्डर, मुझे कहना पड़ेगा प्रोसिक्यूटर साहिबा कि आप एक बहुत ही घटिया लॉयर। एक्सक्यूज मी? नहीं, क्या हुआ प्रोसिक्यूटर साहिबा, कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगा कि मैं आपको बुरा कह रहा हूं, जबकि मैं तो आपकी तारीफ कर रहा हूं। योर ऑनर, अक्सर ऐसा होता है कि हम आधी बात को पूरी बात समझकर बात को ही गलत समझ लेते हैं। हो सकता है मुकुल भगत मरते समय यह कहना चाह रहे हो कि संजय मेरा कातिल नहीं है, या फिर संजय मेरा कातिल वो है। हो सकता है मुकुल संजय को यह बताने की कोशिश कर रहे हो कि उनका कातिल कौन था। लफ्जों का खेल आपको यह केस नहीं जिताएगा मिस्टर डिफेंस लॉयर, यहां सिर्फ सबूत काम आते हैं। योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन ने कत्ल की वजह से लेकर कत्ल का सबूत सब पेश करके डिफेंस को खामोश कर दिया है। संजय भगत के कातिल ना होने की कोई गुंजाइश ही नहीं। माया, लेट मी आस्क यू अ सिंपल क्वेश्चन।
अगर तुम किसी का कत्ल करना चाहती हो तो क्या इतने गवाहों के सामने एक छोटे से लिफ्ट के अंदर कत्ल करोगी इतनी बेवकूफी से कि हर उंगली तुम पर उठे? नो, आई डोंट थिंक सो। योर ऑनर, जिस तरह से संजय भगत को फंसाया गया है साफ जाहिर है कि ये कत्ल किसी और ने किया है। अच्छा चलो, एक मिनट के लिए अब तक के सारे सबूत, गवाह और मकसद को भूल जाते हैं। ये बताओ केडी, मुकुल को किसने मारा? उस लिफ्ट में संजय के अलावा सिर्फ तीन और लोग थे, एक 75 साल की माजी, एक 11 साल का बच्चा और एक नेत्रहीन इंसान। तीनों ही जिस्मानी तौर पर खून करने के योग्य नहीं और ना ही उनके पास खून करने का कोई मकसद। उस लिफ्ट में उनके अलावा और कोई नहीं था, तो मुकुल भगत को किसने मारा केडी, किसने? जाहिर सी बात है और ऑनर की ये कत्ल उन तीनों में से किसी एक ने किया है। और शायद मैं उस दिन के सिक्योरिटी कैमरा फुटेज से ये साबित कर सकूं। इम्पॉसिबल। विद योर परमिशन ऑफ कोर्स। इजाजत। योर ऑनर, उस दिन का सिक्योरिटी फुटेज, वहां पर मरहूम मुकुल भगत और उनके सामने मेरे मुवक्किल संजय भगत। जज साहब प्लीज गौर कीजिए कि दोनों एक दूसरे को गुस्से की नजर से देख रहे हैं। इससे तुम्हारा केस और भी कमजोर हो जाता है केडी। योर ऑनर, वो छोटा सा बंटी सेनगुप्ता हाथ में लॉलीपॉप लिए और वहां उस कोने में मिसेस सुरवीन सिंह और उनके सामने खड़े हुए गीतकार मिस्टर करनाल, ये लेफ्ट ऊपर चली नौ माला, दस माला, ग्यारह माला, एंड ब्लैक। अंधेरे में तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा केडी। एग्जैक्टली। जी योर ऑनर, कुछ नजर नहीं आ रहा लेकिन सुनाई दे रहा है। मैं चाहता हूं कि आप गौर से सुनें। इनकी चीखों के बीच में दो आवाजें और हैं। कैसी आवाजें? पहली, किसी डब्बे में कुछ खड़कने की आवाज। दूसरी, स्लैप की आवाज, चांटे की आवाज। इन दोनों आवाजों को मैंने DFX के जरिए एनहांस किया है। एक बार फिर से सुनते हैं। और ये चांटे की आवाज। हाँ, थप्पड़ की आवाज तो साफ। अब योर ऑनर, अंधेरा हुआ उससे पहले और कत्ल के बाद लोगों की पोजीशंस में अंतर। मिसेस सुरवीन सिंह वहीं खड़ी है लेकिन उनके चेहरे पर डर साफ साफ नजर आ रहा है। मिस्टर करनाल के हाथ में जो केन था कत्ल के बाद, वो केन जमीन पर, और मास्टर बंटी सेन गुप्ता के हाथ में जो लॉलीपॉप था कत्ल के बाद, वो भी जमीन पर। एक और बात कह रहा हूं, बंटी की आंखों में डर है, एक खौफ। बच्चा है, डर गया होगा। हाँ, मानता हूं कि बच्चा है, डर गया होगा, लेकिन योर ऑनर, इतनी खौफ भरी नजरों से वो मिस्टर करनाल की तरफ क्यों देख रहा है? ये सवाल मैं मास्टर बंटी सेनगुप्ता से करना चाहता हूं, उन्हें कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत। बंटी बेटा, उस दिन आप लिफ्ट में लॉलीपॉप खा रहे थे, राइट? लॉलीपॉप आपके हाथ में था, फिर जब फिर अंधेरा हुआ और सब लोग चिल्लाने लगे तो उसके बाद वो लॉलीपॉप जमीन पर गिर गया। जरा जज अंकल को बताओगे कि वो लॉलीपॉप जमीन पर कैसे गिरा? देखो बेटा, डरो मत, हम सब हैं यहाँ, बताओ। वो काले चश्मे वाले अंकल ने
अंधेरे में मुझे थप्पड़ मारा जिससे मेरी लॉलीपॉप नीचे गिर गई। थप्पड़ मारा आपको उन्होंने? तुमने मेरे बेटे को थप्पड़ मारा? How dare you? Your Honor, इस आदमी को सजा मिलनी ही चाहिए। आज तक मैंने बंटी पर हाथ नहीं उठाया और इसकी इतनी हिम्मत किसने? आप बैठ जाइए मिसेस सेन गुप्ता। Your Honor, मैं Please sit down. Your Honor, मिस्टर करनाल का निशाना वाकई सटीक है। अंधेरे में एक बच्चे के गाल पर चांटा धर दिया। मैं मिस्टर करनाल को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। मैं मानता हूँ इस बच्चे को मैंने अंधेरे में थप्पड़ मारा। मेरा गुस्सा बहुत तेज है। कोई मुझे हाथ लगाए ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। उस अंधेरे में इस बच्चे ने मेरे पेट पर मारा। नहीं मम्मी, मैंने नहीं मारा। यही था, मैं किसी के भी टच को अच्छी तरह पहचान सकता हूँ। जो हाथ मुझे लगा वो किसी बच्चे का ही हो सकता था, लेकिन मुझे उसे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। I'm sorry, बेटे। नहीं मम्मी, promise, मैंने नहीं मारा। Right, Mr. Karnal, ये बताइए कि आपके हाथों में जो छड़ी थी वो जमीन पर कैसे गिरी? जाहिर है बच्चे के हाथ लगने से छड़ी जमीन पर गिर गई, इसीलिए तो मुझे गुस्सा आया। और ये आपके हाथों में इस वक्त जो छड़ी है ये वही छड़ी है जो उस दिन आपके हाथों में? जी बिल्कुल। गलत जवाब मिस्टर करनाल, रॉन्ग आंसर। क्योंकि इस समय आपके हाथों में जो छड़ी है वो भूरे रंग की है और सिक्योरिटी कैमरा फुटेज के हिसाब से उस दिन आपके हाथों में जो छड़ी थी वो सफेद थी। मेरे लिए क्या सफेद, क्या नीला और क्या पीला। चलो माना कि ये दूसरी छड़ी है, वो कोई और छड़ी थी। तो Your Honor, अंधेरे में जो खड़कने की आवाज आप सबने सुनी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो आवाज क्या है। संजय, यही आवाज? बंटी बेटा, यही आवाज थी? मिसेस सिंह, थैंक यू। Your Honor, क्या हो रहा है जज साहब? ये क्या हो रहा है? केडी, ये दिखा रहे हैं कि आपकी गेंद खोखली थी और आपने उसमें एक स्क्रू ड्राइवर छुपाया हुआ था। क्या बकवास है ये? मैं ऐसा क्यों करूंगा? झूठ बोल रहे हैं जज साहब, ये झूठ बोल रहे हैं। घबराइए मत मिस्टर करनाल, ये मिस्टर केडी पाठक की पुरानी आदत है। अपने मुवक्किल को बचाने के लिए केडी कोई भी हथकंडा अपना सकते हैं, लेकिन मेरा अगला सबूत मिस्टर केडी पाठक के हर हथकंडे को तोड़कर इस केस को यहीं सील कर देगा। Your Honor, मैं बुलाना चाहूंगी डनहिल अपार्टमेंट के लिफ्ट ऑपरेटर धनसुख को। इजाजत। मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ, जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। धनसुख, कल के दिन आपकी लिफ्ट में ड्यूटी नहीं थी? नहीं मैडम, उस दिन बैसाखी का छुट्टी था और मैं ऑफ ड्यूटी था। उसके दो दिन बाद तलक मैं बीमार था, फिर कटक के पास अपने गांव चला गया। ये पुलिस के बुलाने पर मैं तो आज ही लौटा हूँ शहर। धनसुख, आप इस केस के बारे में हमें क्या बता सकते हैं? यही कि 100% खून संजय बाबू ने किया है। मेरे छुट्टी पे जाने से दो दिन पहले लिफ्ट रूम का चाबी ले लिया था मुझसे। हाँ, क्योंकि मैं बिल्डिंग की मैनेजिंग कमेटी में हूँ। लिफ्ट की सर्विस के लिए टेक्नीशियन को बुलाना था और कोई वजह नहीं है। जी नहीं, आपने
आपने लिफ्ट रूम की चाबी इसलिए मांगी ताकि आप उसकी डुप्लीकेट बना सके। और धनसुख के जाने के अगले ही दिन आप लिफ्ट रूम में जाकर वायर्स काट के अपने भाई की जान ले सके। योर ऑनर, लिफ्ट रूम की चाबी का राज भी खुल चुका है, खून संजय ने ही किया। योर ऑनर। बस केडी, शुरू से लेकर अब तक माया के ठोस सबूतों के सामने तुमने सिर्फ अपनी मनगढ़ंत कहानियां पेश की हैं। लॉजिक और रीजनिंग एक तरफ है, लेकिन अदालत में ठोस सबूतों के सामने किसी का बस नहीं चलता है। I'm sorry, केडी, लेकिन आज तुम्हारी दलीलें बहुत ही कमजोर रही हैं। संजय भगत खूनी नहीं है, यह साबित करने के लिए तुम्हें असली कातिल को ढूंढ निकालना होगा। केडी, अब तक तुम ये जान गए होगे कि ये नामुमकिन है। केडी, अब तुम्हें इस केस की अगली और आखिरी सुनवाई तक इस नामुमकिन को मुमकिन में बदलना होगा। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। तो क्या लगता है आप लोगों को कि संजय भगत ने मारा है अपने भाई को? मैं संजय को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, वो किसी का खून नहीं कर सकता। मिसेस बिलमोरिया, उस दिन लिफ्ट में जो बाकी के तीन लोग थे उनके बारे में पूरी जानकारी हासिल कीजिए, मुझे दीजिए, खास करके मिस्टर करनाल के बारे में। मेरा शक उन्हीं पर है। पर वो तो बेचारा अंधा है। तो क्या हुआ, इसका ये मतलब नहीं कि वो खून नहीं कर सकता। मुकुल भगत के बारे में भी सब कुछ पता करिए, उसके दोस्त कौन थे, दुश्मन कौन, हो सकता है वहीं से कोई सुराग मिले, और अगर नहीं मिला तो ये केडी की पहली हार होगी। रमाकांत पटनायक। कौन है ये रमाकांत पटनायक? रमाकांत पटनायक वो शख्स है योर ऑनर जिससे कुछ समय पहले मरहूम मुकुल भगत ने एक स्टील फैक्ट्री खरीदी थी। जिसका बयाना 15 करोड़ रुपए उन्होंने कैश में दिया था उनके लॉयर को, जिसकी कच्ची रसीद दी गई। ये डिटेल्स तुम्हें कहां से मिली केडी? मुकुल भगत के बैंक के लॉकर की तलाशी से। और वो ये पैसे मुकुल भगत को लौटाने नहीं वाला क्योंकि इस ट्रांजैक्शन के लीगल होने की कोई नौद नहीं, ब्लैक मनी है। लेकिन अफसोस, रमाकांत पटनायक उस दिन लिफ्ट में नहीं था केडी। ये बात मैं भी जानता हूँ मिस माया फटनेस। योर ऑनर, रमाकांत पटनायक 15 करोड़ रुपए लेकर फरार है। वो तो बस मौके का फायदा उठा रहा है, उसका इस केस से क्या लेना? मुझे ऐसा लगता है कि रमाकांत पटनायक का इस केस से बहुत ही गहरा ताल्लुक है। लेकिन फरार होने से पहले उसने अपने सारे ट्रेसेस मिटा दिए, कोशिशों के बावजूद भी उसका कोई पता नहीं चला, कोई सुराग नहीं, कोई फोटो नहीं। लेकिन मैंने ओडिशा इलेक्शन कमीशन से रिक्वेस्ट की है, बहुत जल्द रमाकांत पटनायक के वोटर आईडी की कॉपी हम तक फैक्स की जाएगी। वेरी गुड, लेकिन रमाकांत पटनायक का फोटो इस केस में क्या काम आएगा? योर ऑनर, मेरा ऐसा मानना है कि रमाकांत पटनायक का इस केस से बहुत गहरा ताल्लुक है, और मुझे पूरी तरह से शक है कि इस समय रमाकांत पटनायक इस अदालत में मौजूद है। Order, order. This is impossible, KD. इन तीनों में से एक रमाकांत पटनायक। हाँ, रमाकांत पटनायक उस दिन लिफ्ट में नहीं था, लेकिन हो सकता है कि उन तीनों में से कोई उसका साथी हो जिसने रमाकांत पटनायक के कहने पे ये कत्ल किया हो। Your Honor, सबसे पहले मैं कटघरे में बुलाना चाहता हूँ मिसेस सुरवीन सिंह। इजाजत।
माँ जी, क्या आप किसी रमाकांत पटनायक को जानती हैं? कभी उड़ीसा गई हैं? नहीं वकील साहब, ए ना तो मैं पहली बार ही सुनी है, और फिर जिंदगी जी मैं कभी उड़ीसा गई भी नहीं। जी नहीं, हम किसी रमाकांत पटनायक को नहीं जानते। हमें कोलकाता से मुंबई आए सिर्फ एक महीना ही हुआ है। इनफैक्ट हम तो मुंबई में भी बहुत कम लोगों को ही जानते हैं। कौन रमाकांत पटनायक? मैं किसी पटनायक को नहीं जानता। मिस्टर करनाल, आप पिछले महीने भुवनेश्वर उड़ीसा गए थे, क्यों? हाँ, गया था। मेरे दोस्त की शादी थी, इसके लिए जेल में डालोगे मुझे? कहीं आपके उस दोस्त का नाम रमाकांत पटनायक तो नहीं जिसके कहने पर आपने मुकुल भगत का कत्ल किया? Objection, Your Honor. बेबुनियाद इल्जाम। Sustained. Your Honor, मैं लिफ्टमैन धनचुक को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत। साहब जी, भला मैं रमाकांत पटनायक को कैसे जानूंगा? मैं तो गरीब आदमी हूँ। रमाकांत पटनायक भुवनेश्वर उड़ीसा से है, तुम्हारा गांव भी कटक के पास ही है। उससे कुछ साबित नहीं होता कि धनचुक, जिस दिन लिफ्ट का वायर काटा गया तुम छुट्टी पर थे, जिस दिन कत्ल हुआ उस दिन भी तुम छुट्टी पर थे, और जिस दिन मेरे मुवक्किल संजय भगत को गिरफ्तार किया गया उस दिन भी तुम छुट्टी पर थे। इसे मैं इत्तफाक कहूं या परफेक्ट टाइमिंग? साहब, अब उसमें मेरा क्या कसूर? मैंने कहा ना, मैं उस दिन ऑफ ड्यूटी था, उस दिन बैसाखी की छुट्टी थी, और मैं ही नहीं, मेरे साथ बिल्डिंग के दो वॉचमैन और को भी छुट्टी दी गई थी। दिन आपकी लिफ्ट में ड्यूटी नहीं थी? नहीं मैडम, उस दिन बैसाखी का छुट्टी था, अब उसमें मेरा क्या कसूर? मैंने कहा ना, मैं उस दिन ऑफ ड्यूटी था, उस दिन बैसाखी की छुट्टी थी। योर ऑनर, मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूँ कि मुझे कल सवेरे तक का समय दिया जाए। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, आपने कहा था आज इस केस की आखिरी सुनवाई है। योर ऑनर, किसी केस में सच तक पहुँचने के लिए उसकी 100 सुनवाइयां भी हो तो कम है, प्लीज योर ऑनर। केडी सही कह रहे हैं माया, केडी मैं तुम्हें कल सुबह तक का टाइम देता हूं। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। लेकिन अफसोस, रमाकांत पटनायक उस दिन लिफ्ट में नहीं था केडी। नहीं वकील साहब, ऐ ना तो मैं पहली बार ही सुनी। जी नहीं, हम किसी रमाकांत पटनायक को नहीं जानते। कौन रमाकांत पटनायक? मैं किसी पटनायक को नहीं जानता। मतलब कल के दिन आपकी लिफ्ट में ड्यूटी नहीं थी? नहीं मैडम, उस दिन बैसाखी का छुट्टी था, मैंने कहा ना, मैं उस दिन ऑफ ड्यूटी था, उस दिन बैसाखी की छुट्टी थी। योर ऑनर, आज अदालत में मैं सिर्फ एक ही गवाह को बुलाना चाहूंगा, मास्टर बंटी सेनगुप्ता। इजाजत। योर ऑनर, कभी कभी हम केस की बारीकियों में इतने मशगूल हो जाते हैं कि मोटी मोटी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं। उस दिन लिफ्टमैन धनचुक ने अदालत को याद दिलाया दूसरी बार कि कत्ल का दिन 14 अप्रैल बैसाखी का दिन था, यानी कि पब्लिक हॉलिडे। पब्लिक हॉलिडे में हर स्कूल बंद होता है। मैं बंटी से पूछना चाहता हूं। बंटी बेटा, तुम अपना स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल क्यों गए थे? दरअसल उस दिन वो मेरा सवाल आपसे नहीं, बंटी से किया। बैठ जाइए। बताओ बेटा, छुट्टी के दिन स्कूल क्यों गए थे? वो उस दिन स्कूल में एक्स्ट्रा क्लासेस थे। गलत जवाब। रॉन्ग आंसर। योर ऑनर, उस दिन बंटी का स्कूल पूरी तरह से बंद था, और ये रहा स्कूल का रिपोर्ट। योर ऑनर, ये ठीक वैसा ही वाटर बॉटल है जैसा बंटी के पास था। संजय, क्या ऐसी आवाज थी? हाँ हाँ, यही आवाज थी।
योर ऑनर, एक छोटा सा एनिमेशन दिखाना चाहता हूँ आपको। लिफ्ट में जैसे ही अंधेरा हुआ, बंटी ने इस तरह स्क्रू ड्राइवर उठाया और हमला किया, जिसके कारण बंटी का हाथ मिस्टर करनाल को लगा और करनाल ने बंटी को थप्पड़। बंटी सेनगुप्ता ने बड़ी बेरहमी से मुकुल भगत का कत्ल किया। ऑर्डर ऑर्डर। केरी, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें 11 साल के बच्चे पे कत्ल का इल्जाम लगा रहे हो। केरी, भला एक बच्चा ऐसा घिनौना कत्ल कैसे कर सकता है? योर ऑनर, माना कि एक बच्चा इतनी बेरहमी से किसी का कत्ल नहीं कर सकता, लेकिन एक 34 साल का आदमी ये कत्ल कर सकता है। आपके हाथ में जो कागज है वो रमाकांत पटनायक की वोटर आईडी का कॉपी है। योर ऑनर, जो हमें अभी अभी ओडिशा इलेक्शन कमीशन से मिला है। रमाकांत पटनायक उर्फ बंटी सेनगुप्ता ने मुकुल भगत का कत्ल किया। This is ridiculous. It is not ridiculous, public prosecutor. It's a fact. A medical fact. Your Honor, मैंने भुवनेश्वर के सेंट मार्क्स हॉस्पिटल से रमाकांत पटनायक की मेडिकल हिस्ट्री मंगवाई थी। Your Honor, रमाकांत पटनायक को एक रेयर बीमारी है, नूनन सिंड्रोम, एक्सट्रीम नूनन सिंड्रोम। आसान लफ्जों में कहा जाए तो ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें एक उम्र के बाद, उम्र तो बढ़ती है लेकिन शक्ल, आवाज और कद उसी उम्र में अटक जाती है, जैसे कि बंटी सेनगुप्ता उर्फ रमाकांत पटनायक के साथ हुआ। ये एक किस्म का बोनापन है। अब बताइए मिस्टर पटनायक, आपने मुकुल भगत का कत्ल किया या नहीं? बस कीजिए आप इस तरह, आप मेरे बेटे पर। रहने दो अरुणिमा, रहने दो अरुणिमा, मेरा राज खुल चुका है। हाँ, मैं ही हूँ रमाकांत पटनायक, और ये औरत मेरी माँ नहीं, मेरी बहन अरुणिमा पटनायक है। एक महीने पहले मैंने मुकुल भगत से 15 करोड़ रुपए कैश लिए और फिर उसे मारने का प्लान बनाया। मुंबई आया एक बच्चा बनकर, उसी की बिल्डिंग में घर लिया किराए का, क्योंकि मुकुल भगत ने मुझे कभी नहीं देखा था। मेरे घर में काम करने वाली बाई संजय भगत के घर में भी काम करती है, उसी की मदद से मैंने संजय भगत के घर से वो स्क्रू ड्राइवर और प्लायर चुराया, और फिर यार ऑनर, इन्होंने लिफ्ट रूम का दरवाजा खोला, संजय के अपार्टमेंट से चुराए हुए प्लायर से लिफ्ट का वायर काटा और प्लायर वहीं छोड़ दिया संजय को फंसाने के लिए। फिर कत्ल के दिन ये स्कूल से यूनिफॉर्म में लौटे, लिफ्ट के बंद होने का इंतजार किया और अंधेरा होने के बाद मुकुल भगत का कत्ल। योर ऑनर, शातिर से शातिर क्रिमिनल
कोई ना कोई सुराग छोड़ जाता है। इस केस में बैसाखी की छुट्टी रमाकांत पटनायक उर्फ बंटी सेनगुप्ता को बहुत महंगी पड़ी। केडी सही कह रहे हैं जज साहब, खून मैंने ही किया है। रमाकांत पटनायक के इस इकबाले जुर्म के बाद अदालत इन्हें और इनकी बहन अरुणिमा पटनायक को हिरासत में लेने का हुक्म देती है और संजय भगत को बाइज्जत रिहा करती है। द केस इज क्लोज। थैंक यू केडी। एक बच्चे की शक्ल में 34 साल का इंसान, समझ में नहीं आता क्या कहो क्या कह सकते। बस इतना ही कह सकते हैं कि बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। Am I right or am I right? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.